तो एक स्लिप के साथ शायद नजीर ऑपरेटिव। इस बार बॉलर बैक ड्राइव, अंपायर को भी अपनी जान बचाने के लिए साइड पे हटना पड़ा। चार रन्स, इससे अच्छा शॉट क्रिकेट में नहीं हो सकता। बहुत जबरदस्त शॉट खेला है, बिल्कुल जैसे उन्होंने ऑन द अप ये शॉट खेला, ये देखिए ये बॉल गिरा और वहीं पे उन्होंने उसको उठा दिया है और बड़ा सही उसको मिडल हुआ है बैट। एक और उठता हुआ स्ट्रोक, फील्डर गेंद की तरफ आए, आउट होने का खतरा। नेहत शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर, एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर फील्डर ने कैच लेकर इनिंग्स का खात्मा कर दिया। खुर्रम शहजाद का बैकवर्ड रनिंग कैच और इस तरह निस्फ टीम क्वेटा बियर्स की अब आउट हुई और विकटें खजारा सीधा पत्तों की मानित गिरती हुई गदाफी स्टेडियम में। ये देख लें बिल्कुल वही बात जो हम लोग कर रहे थे कि बिल्कुल पैनिक हुए में है उनको, बिल्कुल क्रिकेट की तरफ उनका कहीं पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि वो कोई शॉट बना के खेले या वो स्कोरों के पीछे जाए या कुछ, और सिर्फ चला रहे बातें हैं और आगे हिट आउट कर रहे हैं और जो कि टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और आउट पे आउट होते चले जा रहे हैं बैट्समैन। फरीदुद्दीन चार रन बना सके, 40 पर 5। फिर उठता हुआ स्ट्रोक खेले, स्क्वायर लेग के फील्डर गेंद की तरफ आए और आखिर में पकड़ने में नाकाम रहे। अच्छी पोजीशन में आए और मोहम्मद हफीज फील्डर की कैच गिराए जाने पर ज्यादा खुश नहीं। इससे पहले खुर्रम ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की थी बाउंड्री लाइन पर, लेकिन ये कैच संभालने में नाकाम रहे। 9 के बाद 47 पर 5 खिलाड़ी आउट क्वेटा बियर्स के। शाहिद नजीर, नो बॉल, ओवर स्टेपिंग जो कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में काफी महंगी पड़ती है। फ्री हिट का इशारा दिया अंपायर अहमद शहाब ने। वाजी तौर पर बिल्कुल आगे पांव आगे था, लाइन से आगे था। और अगर आपको याद पड़े कि ये जो एक इंग्लैंड सीरीज हुई थी वहां पे शायद ने काफी नो बॉल किए थे, इसी तरीके से काफी अच्छे का इनका प्रॉब्लम चला आ रहा है कि ये फ्रंट लाइन जो है ये क्रॉस कर जाते हैं। स्पिन ने अभी लगता है इस पर काम इतना नहीं किया है। शॉट गेंद थी लेकिन इसको हुक नहीं कर सके, बिल्कुल अभी पोजीशन में आए बगैर स्ट्रोक खेलने की नाकाम कोशिश की सिद्दीक ने। बहुत जबरदस्त अंपायरिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी अंपायर जो हैं और उसका शायद दुनिया को पता है, जैसे अभी आपने अलीम डार का नाम लिया, सरदाफ का नाम है, नदीम गौरी हैं, बहुत जबरदस्त। एक ही रन पर इत्तेफाक करना पड़ेगा क्योंकि शायद नजीर लॉन्ग लेग पर पहुंच गए थे। उठता हुआ शॉट, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में, तो एक और नुकसान यहां पर उठाना पड़ा और इस मैच में दूसरी कामयाबी मिली मोहम्मद हफीज को। जी बिल्कुल, और फैसलाबाद बुल्स ने इस मैच को बिल्कुल भी आसान नहीं लिया क्योंकि देखा जाता है अक्सर के एक टीम अगर थोड़ी सी नर्म है दूसरी इससे स्ट्रांग है तो वो इसको आसान ले लेती है। ये रीप्ले अब देखिए, पुल किया था इसको, लेंथ पे सही कंट्रोल नहीं कर सके और डीप मिड विकेट पे ये आसान कैच, रेगुलर कैच लिया फील्डर ने। इसके साथ एक और खिलाड़ी का नुकसान हुआ क्वेटा बियर्स की टीम को और बिस्मिल्लाह खान आउट होने वाले खिलाड़ी। 32 रन बनाए 56 पे 6। ये नए आने वाले बैट्समैन जल्लाद खान, उसके बाद स्पिनर्स आए, उन्होंने भी उसी ग्रिप को मजबूत रखा और आसान बॉल्स नहीं दिए क्वेटा बियर्स को। तो तमाम क्रेडिट जाता है एक्सपीरियंस टीम फैसलाबाद के तमाम खिलाड़ियों के, उन्होंने मिलकर इस मैच को आसान नहीं लिया क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें तो क्वेटा बियर्स की टीम जो है वो थोड़ी क्रिकेटिंग माइनर्स है और इस तजर्बे को उन्होंने बरोए कार लाया, इस मैच में आसान नहीं लिया। लास्ट टाइम भी इस T20 कप में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही थी गनी ऑटोमोबाइल्स फैसलाबाद वुल्व्स की, जब उन्होंने फाइनल तक रसाई हासिल की, तौर पर बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फाइनल में
इनको शिकस्त हुई अगेंस्ट सियालकोट स्टैलियंस। स्लिप में फील्डर प्लेस था, उसी के मुताबिक बॉल करा रहे हैं और ये बाउंड्री मिली बैट्समैन को। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन इस शॉट को इतना कॉन्फिडेंट नहीं खेले, अपनी जानिब से उन्होंने इसको हल्का सा ड्रैग किया, लेकिन बैरूनी किनारा लेते हुए बॉल स्लिप के थोड़ा सा हटके गुजरी। अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी ट्राई करते स्लिप के फील्डर तो एक अच्छा कैच हो सकता है। इस दफा यॉर्क का लेंथ बॉल, इसको फ्लिक किया डीप मिड विकेट की जाने, बहुत खूबसूरत शॉट चार रन के लिए। बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे कनेक्शन देखा बैटर बॉल का, बहुत अच्छा टाइम हुआ ये शॉट। ये देखो स्लाइटली आगे गेंद पिच हुई थी उसको खूबसूरत, और उन्हें रिस्क की मदद से जो है पहुंचाया बाउंड्री लाइन के पार एक और एंगल से। इस दफा अच्छा गैप में काले में कामयाब हुए और ये बैक टू बैक का बाउंड्री जलाल खान को। आते हुए इस किस्म की बाउंड्री से बैट्समैन को काफी कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इस किस्म की कंडीशन में जब आप मैच से काफी दूर होते जा रहे हो, इस किस्म की दो या तीन बाउंड्रीज अगर हर दो या तीन ओवर में मिले और स्कोर जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन के करीब पहुंच जाए तो उस बैट्समैन को उस टीम का मोरल काफी बेहतर होता है और यकीनन वो ट्राई करेंगे कि वो कम से कम बॉल पे ज्यादा रन बना सके। एक दफा फिर ट्राई की और इस दफा फील्डर मौजूद, सिर्फ एक ही रन मिलेगा जलाद को। काफी पूरी पिक्चर 23 पे तीन खिलाड़ी आउट थे, लेकिन ओपनिंग स्टैंड जो फैसलाबाद को मिला 39 113 पे 15 ओवर के बाद। और अगर आप जैसे क्वेटा जबरदस्त शॉट फुल टॉस था, एंगल कर दिया पॉइंट की तरफ, फोर रन्स।